हाय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, इस चैनल का होस्ट जाकिर खान, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जाकिर यूट्यूबर। टीम इंडिया के प्रो स्टार क्रिकेटर युवराज सिंह बिग बैश लीग में खेलना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। BBL यानी बिग बैश लीग में युवराज सिंह की एंट्री होने वाली है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया यानी CA उनके लिए क्लब ढूंढने में मदद कर रहा है। अगर वाकई में ऐसा होता है तो यूवी BBL खेलने वाले पहले इंडियन प्लेयर बन जाएंगे। तो दोस्तों, क्या है पूरी रिपोर्ट आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, तो बने रहिएगा मेरे इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी समझ में आ जाए। साथ में ऐसी वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करके ऑन कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, जो कि बिल्कुल फ्री है। दोस्तों, आपको बता दें कि IPL स्टार्ट होने वाला है और अभी तक के भारत का कोई भी खिलाड़ी BBL में नहीं खेला है। BBL एक विदेशी लीग है जहां पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कोई भी सक्रिय खिलाड़ी यानी कोई एक्टिव खिलाड़ी जो अभी तक के संन्यास नहीं लिया है, विदेशी लीग में नहीं खेल सकता है। 38 वर्ष के युवराज सिंह ने पिछले साल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट यानी इंटरनेशनल क्रिकेट से और साथ में ही होम क्रिकेट यानी घरेलू क्रिकेट से संन्यास ले लिया था, और इस तरह से उनका विदेशी लीग में खेलने का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया। क्योंकि BCCI का कानूनी प्रक्रिया है कि अगर आप एक्टिव खिलाड़ी हैं, अभी तक के आपने संन्यास नहीं लिया है, आप कोई भी विदेशी लीग नहीं खेल सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के एक पॉपुलर अखबार सिडनी मॉर्निंग की रिपोर्ट के अनुसार युवराज के मैनेजर जेसन वार्क ने इस बात की पुष्टि की है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इस पूर्व भारतीय ऑलराउंडर में दिलचस्पी रखने वाली फ्रेंचाइजी ढूंढने की कोशिश कर रहा है। वार्न ने सोमवार को कहा कि हम CA के साथ यानी ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड के साथ मिलकर हम ये विकल्प ढूंढ रहे हैं। विश्व कप 2000 के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रह चुके युवराज सिंह 2017 के बाद भारत के लिए कोई भी मैच नहीं खेले हैं। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने, अगर इनके आंकड़े की हम बात करें, 304 वनडे मैच में 8,701 रन बनाने के अलावा इन्होंने 111 विकेटें भी ली हैं। उन्होंने देश की तरफ से 40 टेस्ट और 58 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच भी खेले हैं। लेकिन थोड़ी सी एक बैड न्यूज़ ये भी हो सकती है कि रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो BBL क्लब अभी भी युवराज में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। इसका जवाब शेन वॉटसन दे रहे हैं। उन्होंने कहा है, उनके लिए इस टूर्नामेंट में खेलना अविश्वसनीय होगा। ये आदर्श स्थिति है कि भारत में कई विश्व स्तरीय T20 खिलाड़ी हैं जो भारत के लिए नहीं खेल रहे हैं, और बिग बैश और दुनिया भर के अन्य टूर्नामेंट के लिए अगर वो उपलब्ध हो सकते हैं, अगर ऐसा होता है तो इससे बड़ा अंतर पैदा होगा। तो दोस्तों, देखने वाली बात यह होगी युवराज सिंह के लिए ये रास्ता क्या साफ होता है या नहीं साफ होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जैसे कि आप जानते हैं, IPL स्टार्ट अभी होने वाला है और उसके तुरंत बाद दिसंबर और जनवरी में आप BBL भी देखेंगे, जहां पर युवराज सिंह की भी एंट्री हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो युवराज सिंह फैन के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी होने वाली है। हम इन्हें एक बार फिर से मैदान में चौके और छक्के मारते हुए देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर कमेंट्स करके बताइएगा। साथ में वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, साथ में चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप युवराज के फैन हैं तो आप अपने कमेंट्स जरूर कमेंट्स बॉक्स में दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए अपडेट के साथ।